अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आज आप लोगों के लिए मुहर्रम के हवाले से एक रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि दूध है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसको आप ठंडा करके सर्व करें, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नीचे लाल बेल के बटन को जरूर दबाइएगा और मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुहर्रम के सिलसिले में और मुहर्रम के एहतराम में मैं आगे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही। एक वीक की पूरी मैंने छुट्टी है, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी। उसके बाद फिर मेरा चैनल कंटिन्यू हो जाएगा, फिर से दोबारा से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगी। लेकिन जब 13 मुहर्रम हो जाएगी तब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग परेशान हो जाएंगे शायद, अब मैंने दोबारा कोई वीडियो अपलोड नहीं की कि मैंने चैनल छोड़ तो नहीं दिया। नहीं, वो मैं चैनल मेरा कंटिन्यू ही रहेगा, बस मुहर्रम है तो इसकी वजह से मैंने ना अब कोई वीडियो अपलोड नहीं करनी। ठीक है, अब चलते हैं। अपने ये जो न्याज के लिए बेहतरीन से दूध बनाना है, इसके लिए मुझे किन्नसा की ज़रूरत है। इसके लिए मुझे चाहिए 1 टीस्पून चाय वाली पत्ती। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। ठीक है, मैं 2 टेबल स्पून लेने लगी हूँ। ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इसका क्वांटिटी का कोई नहीं है। ठीक है, और 1 टेबल स्पून साबुदाना है, ये देखें 1 टेबल स्पून साबुदाना, 6 अदद इलायची है। ठीक है, जायफल और जावित्री, ये देखें बस इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी सी, ये 2 पत्ते हैं जो ना जायफल के हैं। ठीक है ना, और जावित्री के, जायफल के, ये जायफल ये है, सॉरी जायफल, ये देखें बस इतना सा जायफल है और जावित्री के ना ये सिर्फ 2 पत्ते हैं। ठीक है, ये है। और दूध हमें चाहिए 1 लीटर। ठीक है, और 1 कप 1.5 कप मैंने पानी डालना है, 1 लीटर दूध में 1.5 कप पानी डालना है। ठीक है, सबसे पहले हमने करना क्या है, इस तरह का एक मलमल का कपड़ा ले लेना है। ठीक है ना, ये देखिए एक मलमल का आपने साफ अच्छा सा कपड़ा ले लेना है। इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून ये साबुदाना, 6 अदद इलायची, 1 टीस्पून चाय वाली पत्ती, 1 टीस्पून बस थोड़ी सी ज़्यादा नहीं डालनी। ठीक है, जावित्री सिर्फ 2, ये मेरा बड़ा था तो मैंने इसको आधा कर लिया, ये बस 1 पीस ही आपने डालना। ठीक है, और जायफल, ठीक है ये डाला, डाल के इसको मैंने पोटली बना लेनी है, इसको बंद कर लेना। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए इसी तरह मैंने ना ये पोटली बना लेनी है, इसको अच्छे से आपने टाइट करके ना बांध लेना है। ठीक है, इसके अंदर तमाम चीज़ें मैंने डाल दी, जायफल, जावित्री, इलायची और साबुदाना और पत्ती। ठीक है, ये डाल के इसको मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर 1 लीटर दूध ऐड करने लगी। ठीक है, साथ ही मैं इसके अंदर 1.5 कप, 1 कप डाल दिया, आधा और डालूंगी। ठीक है, इसको मैं चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रखती हूँ। ठीक है, ताकि इसके अंदर अच्छे से इसके अंदर बॉयल, ये देखिए फ्रेंड, ये दूध को ना 2-3 बॉयल आए हैं अच्छे से इसके अंदर ना, ये जो मैंने पोटली इसके अंदर डाली है ना, ताकि इसका इतना बॉयल आना चाहिए कि इसका जो असर है ना वो दूध के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको 2-3 बॉयल आए हैं, तो इसको ना आपने करना क्या है, ठीक है ये देखिए 2-3 इसके अंदर बॉयल आ गए हैं ना, इसको आपने ऐसे अच्छे से दबा देना है। ठीक है ना, इसके अंदर जो भी हमने पोटली के अंदर चीज़ें डाली है ना, उन चीज़ों का, तमाम चीज़ों का ना जो जायका है ना वो इस दूध के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, आपने स्लो फ्लेम पे ना इसको पकाना, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, ताकि अच्छे से ये चीज़ें ना इसके अंदर जो जायका है ना, इन तमाम चीज़ों का इसके अंदर जायका आ जाना चाहिए। ठीक है ना, ये देखें मैं इसको दबा रही हूँ, अब मैं इसके अंदर से ये पोटली निकाल लेती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे।
अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करने लगी। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं 2 टेबल स्पून लेने लगी हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। मिक्स करके ये देखिए फ्रेंड, दूध को मैंने एक आधा दूध को मैंने ना एक प्याले में निकाल ली है, ठीक है। इसके अंदर आप खूब सारे बादाम पिस्ता डालें, ठीक है ना, क्रश करके डाल लें, वैसे बारीक बारीक काट के डाल लें, जैसे भी आप डालना चाहते हैं। इसको आपने ठंडा करना है, ठीक है। ठंडा करके आप बोतलों में भर के लोगों में तकसीम कर सकते हैं, या फिर वैसे भी जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप इस तरह इसको करें, ठीक है। बादाम पिस्ते खूब अच्छे से डालने हैं, कंजूसी नहीं करनी। अच्छा, क्योंकि न्याज की चीज़ होती है तो इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसको आपने डालना है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और खुशबूदार ये दूध तैयार हुआ है, ठीक है। इसको आपने स्लो फ्लेम पर 15-20 मिनट तक पकाना है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून डाली है, ठीक है, तो ये बैलेंस है। अगर कम लगती है तो आप इसके अंदर और चीनी ऐड कर सकते हैं, आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें। तो अगर आपको फीका लगता है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हमारा ये दूध तैयार हुआ है न्याज के लिए, ठीक है। आपने इसको ज़रूर बनाना है और तकसीम करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को आगे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं अब वीडियो अपलोड करूँगी 13 मुहर्रम को, ठीक है। मैं 13 मुहर्रम के बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है। आपने मेरा इंतज़ार करना है, ठीक है। उसके बाद चैनल कंटिन्यू हुई है, ठीक है। बस आपने अब ये न्याज बनानी है, लोगों में तकसीम करें, दुआएँ हासिल करें, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी तरह डिफरेंट सी रेसिपी के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं।